हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा दो से तीन वीडियोस यहां पे अपलोड हो चुके हैं बिल्कुल इन वीडियोस को देख लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप लोगों को ये सारी खबरें यहाँ पे पहुँच जाएगी उसी के साथ साथ आप सब लोगों को है कल मैंने ऐसे ही कुछ रिस्की स्टॉक्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर ऐसे रिस्की स्टॉक्स बता दीजिए खरीदना है या नहीं वो बात की बात है बट एटलीस्ट हम लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज भी यहाँ पे मिल जाएगा सो दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे रिस्की स्टॉक के बारे में भी बात करने वाले देखिए रिस्की मतलब खराब नहीं राइट तो ये बताना चाहूंगा स्टॉक वाकई में क्वालिटी वाइज अच्छा है बट यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहेगी मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो इसी स्टॉक के बारे में हम लोगों को डिटेल में यहाँ पर जानकारी हासिल करनी है तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकॉन को हिट करके जरूर रख लेना एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो लिंक ऊपर आय बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो so, दोस्तों so, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है उसके पैरामीटर्स क्या है उससे हम लोग को एक अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी में रिस्क तो ज़रूर इन्वॉल्ड है बट वो रिस्क क्या कम हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का कंपनी काम करते उस इंडस्ट्री में कंपनी का योगदान है अगर हम लोग बात करें समवेयर अराउंड 5000 करोड़ का मार्केट कैप है मतलब स्मॉल कैप कंपनी है इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि रिस्की कंपनी है रिस्की मतलब खराब नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री का पीई सिक्सटीन e. है बट इस कंपनी का पीई e. 41 है मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे स्मॉल कैप वाले स्टॉक अगर आज दस रुपये के कल सौ रुपये तक जा सकते हैं इतनी ताकत उनमें यहाँ पे होती है बट उतनी ही रिस्क होती है कि सौ रुपये का स्टॉक वापस दस रुपये पर भी यहाँ पे आ सकता है सो so, इस रिस्क को अगर हम लोगों को मैनेज करना है कंट्रोल करना है तो हम लोगों को देखना पड़ता है कंपनी के बैक बाकी के पैरामीटर्स कैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं रिजल्ट की बात करें रिसेंटली तो कंपनी ने अच्छे नंबर जरूर दिखाए जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे बट अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी को सिर्फ़ एक साल का बैकग्राउंड है एंड एक साल में कंपनी ने सेंसेक्स को लगभग वन फोर्टी से आउट परफॉर्म किया मतलब सेंसेक्स ने थर्टी के रिटर्न दिए इस कंपनी ने वन सेवेंटी के रिटर्न दिए अगर हम लोग बात करें एक हफ्ते में लगभग पाँच साढ़े एक महीने की बात कर तो सिमिलर वही पैटर्न पाँच साढ़े एंड फर्स्ट जनवरी से अभी तक की बात करें तो समवेयर अराउंड फोर्टी टू परसेंट के रिटर्न सो so, अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी का ही लेटेस्ट है एक साल का ही हम लोग को बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग के हिसाब से हम लोग बात करें सो so, जरूर ये एक रिस्की पैटर्न है क्योंकि कंपनी अभी अभी मार्केट में हम लोग को लिस्ट होती हुई देखने को मिली है बट अब से लेकर अभी तक लिस्ट होते हुए अभी तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही परसेंटेज वाइज शानदार नजर आ रहा है अभी आप लोगों का सडनली नेक्स्ट सवाल यही रहेगा कि मार्केट तो इतना हाई लेवल पर है तो ये कोई भी कंपनी ऐसे हो सकती है जैसे मैं बोलता हूँ ना कि गधों के घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ चुके हैं तो ऐसा भी स्टॉक हो सकता है ये तो इसीलिए हम लोग को कंपनी के नंबर्स देखने पड़ेंगे क्या कंपनी ने नंबर वाइज अच्छा दिखा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कंपनी डिजर्विंग कंपनी है एंड वो कंपनी बबल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी अगर कर बबल बस्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल तो क्या ये कंपनी उस टाइप की कंपनी क्या हम लोगों ने संभाल के रहना चाहिए तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग फिलहाल आ जाते हैं सो दोस्तों कंपनी क्या तुक्के से यहाँ पे भाग रही है या सिर्फ ऐसे पैसा लग रहा है तो देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो डिसंबर 20 पिछले क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू बहुत शानदार है ईयरली वाइज भी बात करें तो वो भी बहुत शानदार है मतलब कंपनी के रेवेन्यू में कोई भी बबल नजर नहीं आ रहा है देन अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट चलो रेवेन्यू तो ठीक है बट तो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है आप खुद देख सकते हो डिसंबर नाइनटीन में चौबीस करोड़ का प्रॉफिट था यह देखिए लिखा हुआ है दिसंबर 19 में चौबीस करोड़ का जो कि अभी के हिसाब से हम कह सकते सिक्सटी सिक्स करोड़ तक जंप किया है मतलब अगर हम लोग इसको ट्वेंटी भी पकड़ ले तो समवेयर अराउंड तीन गुना हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रहा है एंड पिछले क्वार्टर में यही फोर्टी करोड़ का था सो तो इसमें इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कंपनी परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है ऐसी नहीं कि कंपनी का रिजल्ट uh, ऐसा खराब है एंड फिर भी स्टॉक टॉप पे है ऐसी बिल्कुल भी बात यहाँ पे नहीं है तो ये भी पॉइंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यस ये, ये कंपनी अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे कर रही है दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप लोगों को तसली मिलेगी कि प्रमोटर के पास सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा के शेयर उन्हीं के पास है क्यों तसली मिलती है चलो प्रमोटर के पास ज़्यादा है मतलब यूजुअली कोई ऐसा वो डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कंपनी का ही नुकसान हो क्यों क्योंकि आपके पास शायद से एक दो शेयर हो सकते हैं परसेंटेज वाइज में बात करें इनके पास सिक्सटी थ्री परसेंट के शेयर्स है अगर आपको एक रुपए का नुकसान होगा ना तो इनको एक हजार रुपये का नुकसान होगा क्योंकि इनके पास ज्यादा शेयर है आप लोग देख सकते हो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है तो हम लोग एक कह सकते हैं ये अच्छी बात है जो कि हम लोग को देखने को मिल रही है फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर लेते थोड़ा तो आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एक से भी मतलब कम यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में होल्डिंग यहाँ पे रख रहे हैं जरूरी नहीं इस कार की कंपनी ख़राब है शायद से फ्यूचर में वो एंटर कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको दिखाया कंपनी का बैकग्राउंड मार्केट के हिसाब से सिर्फ एक साल का है राइट तो ये भी पॉइंट हम लोग ने नोट करके चलना चाहिए डी की बात करें तो फोर्टीन से लेकर सिक्सटीन तक की जंप हम लोग को डी में यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है अब एक साल का डेटा देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा जंप जरूर है देन अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी समवेयर अराउंड नाइनटीन टू ट्वेंटी तक की होल्डिंग इस कंपनी में यहाँ पे रखते हैं तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर एंड बैलेंस शीट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं रिजर्व्स 225 करोड़ 307 करोड़ 725 करोड़ के रिजर्व्स स्मॉल कैप कंपनी है बट बहुत ही शानदार ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है yes, यस दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा है सौ करोड़ वन करोड़ देन हंड्रेड करोड़ देन अगर हम लोग कहें तो फोर्टी करोड़ मतलब कंपनी कर्जा तो है बट उसको लगातार कम कर रही है ये एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर इस कंपनी को एनालिस करते वक्त रडार पे यहाँ पे रखना चाहिए देन अगर हम लोग बात करें क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग है ये तो फ्लक्चुएटिंग रहता है अभी दो सौ करोड़ है कल सौ हो जाएगा ये ठीक ठाक बात है देन अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्वेलेंट तो ये भी बहुत ही सॉलिड है नाइन करोड़ ट्वेंटी करोड़ एंड लगभग ढाई करोड़ का कैश है कंपनी के पास तो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 4.5 स्टार की बैलेंस शीट नजर आती है क्योंकि कर्जा है इसलिए कर्जा भी नहीं होता तो फाइव स्टार बैलेंस शीट भी हम लोग बोल देते सो कंपनी जरूर दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है अगर आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में फर्दर डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिफ्थ मार्च के फ्राइडे के दिन सिक्सटी की डिलीवरीज अप्रोसीमेटली हम लोग को देखने को मिली वॉल्यूम भी ठीक ठाक नजर यहाँ पे आ रहे हैं कंपनी की बात करूँ तो फिलहाल मार्च चल रहा है सात मार्च यहाँ पे हम लोग बात करें इसी मंथ में कंपनी ने फ्रेश फिफ्टी टू हाई के साथ ऑल टाइम हाई भी लगाया फोर सेवेंटी फोर का राइट उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे कि कंपनी की कॉरपोरेट एक्शन सो 2020 में एंड 2020 में लगभग कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया था मतलब दो रुपये ढाई रुपये का डिविडेंड दिया था हम लोग ऐसा एग्रीगेटली यहाँ पे बोल सकते हैं सो so, कंपनी बिल्कुल नई है मार्केट के हिसाब से एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड यहाँ पे मैं बात, pipe, yes, also, बात कर रहा हूँ प्रिंस पाइप ये दोस्तों प्रिंस पाइप इस कंपनी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनका जो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है एस्ट्रल पॉली ये भी तो पाइप से रिलेटेड ही काम करते हैं तो हम कह सकते हैं ये तो फंडामेंटली बहुत ही गजब की कंपनी मतलब इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं लार्ज कैप कंपनी है बट अगर आप चाहो तो प्रिंस पाइप के ऊपर भी फोकस रख सकते हो चार सौ चार सौ का ये स्टॉक है स्मॉल कैप कंपनी ये आपको याद रहना चाहिए मार्केट की बात करें 2020 में थर्ड जैन 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी जो कि अभी से लेकर अभी तक कंपनी ने समवेयर अराउंड हम लोगों ने अभी देख लिया था वन परसेंट के रिटर्न्स अप्रोक्सिमेटली दिए थे जो कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हो तो क्या कंपनी खराब है कंपनी ख़राब नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो सबसे खास एडवांटेज यही है कि प्रमोटर के पास बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है राइट कोई भी शेयर गिरवी नहीं है ये कंपनी के एडिशनल पॉइंट है एंड कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है अगर ड्रॉबैक की पॉइंट्स बात करें मतलब ख़राब पॉइंट्स तो कंपनी खराब मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब है मतलब मतलब स्मॉल कैप है रिस्की है देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही कम है एक साल के अंदर अंदर हम लोग पूरा कंपनी को एज सच लॉन्ग टर्म में इतना जज नहीं कर सकते बट नंबर देख के समझ में आता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है देन जैसे मैंने कहा कि ये स्मॉल कैप है तो वॉलेटिलिटी यहां पे जरूर रहेगी फिलहाल के बाजार में आपको देखने को नहीं मिल रही बट शायद से आगे वॉलेटिलिटी आप लोगों को परेशान यहां पे कर सकती है सो यही कहना चाहूंगा प्रिंस पाइप ये एक नया स्टॉक मैंने आपके सामने यहाँ पे लेके रखा हुआ है वापस कहना चाहूँगा ये कंपनी खराब नहीं है स्मॉल कैप कंपनी है बट अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी यहाँ पे दे सकती है कंपनी के नंबर्स देख के मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ पे डर रहे कि मार्केट में बबल है कभी भी बस्ट हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस स्टॉक से बारे में एज सच आ, उस लेवल का प्रेशर नहीं लेना चाहिए क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिखाए देखिए गिरेगा तो जरूर स्मॉल कैप है मतलब अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो जरूर गिरेगा 200 भी आ सकता है ये कोई शक की गुंजाइश नहीं स्मॉल कैप है बॉस फटाफट पैसे निकाले जाएंगे बट अगर मैं बात करूँ एडवांटेज वाला पॉइंट यही है कि कंपनी के रेवेन्यू शानदार है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी तो ये आप लोगों की स्ट्रेंथ एंड पोजीशन है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा सो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है कर्जा भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है सो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप के अगर आप चाहते हो एस्ट्रल पॉली तो लार्ज कैप है अगर आप उसी के टाइप का दूसरा स्टॉक चाहते हो तो आप चाहो तो प्रिंस पाइप के ऊपर भी पे फोकस रख सकते हो खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग है बट ये स्मॉल कैप है स्मॉल कैप मतलब अगेन ये वॉलेटिलिटी ऐसी रहेगी इसका अर्थ ये कि वो डूबेगी ऐसा स्मॉल कैप मिड कैप अगर डूबते तो कोई देखता भी नहीं सिर्फ लार्ज कैप में ही खेलते स्मॉल कैप मतलब तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है ये अभी आप लोगों को पता चल चुका है बट ये बार बार बोल के मैं आप लोगों को दिमाग में बातें फिट करना जरूर चाहूँगा सोए आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना क्योंकि ये भी कंपनी एक दिन जरूर यहाँ पे बड़ी बन सकती है जो कि फिलहाल के परफॉर्मेंस से नजर आ रहा है सो दैट्स से थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय